सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इसे याद करना। देखिए, सिलाई के अंदर हम ये 9 चीज़ें अगर याद कर लिए तो सिलाई सीखना आसान हो जाता है। सबसे पहले है लंबाई, लेंथ। मैंने इसे हिंदी में भी दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। सेकेंड है शोल्डर, शोल्डर यानी कंधे। थर्ड है बगल, बगल। फोर्थ है चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाता। फिफ्थ है कमर की लंबाई, वेस्ट लेंथ यानी कमर की लंबाई। छठा है कमर की चौड़ाई, वेस्ट चौड़ाई यानी कमर की चौड़ाई। सातवां है हिप लंबाई, चौकों की लंबाई। आठवां है हिप चौड़ाई, चौकों की चौड़ाई। आखिरी में है दामन। देखिए, ये पॉइंट भी आपको याद करना ज़रूरी है। लंबाई को आधा नहीं करते, चौड़ाई को आधा करते हैं। अगर आप पहली बार कटिंग सीखने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये सीखना ज़रूरी, ये याद रखना ज़रूरी है कि लंबाई को कभी आधा नहीं करते और चौड़ाई को आधा करते हैं। देखिए, हम जो ये 9 नंबर आपको बताए हैं इसमें से फर्स्ट लंबाई है, लंबाई लंबाई है जिसे हम आधा नहीं करते। शोल्डर चौड़ाई है जिसे हम नंबर को आधा कर देते हैं, जैसे ड्रेस का अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं उसको आधा कर देते हैं। बगल, बगल को भी हम आधा नहीं करते। चेस्ट, चेस्ट को हम आधा करके डालते हैं नंबर। वेस्ट की लंबाई यानी कमर की लंबाई, इसे भी हम आधा नहीं करते। वेस्ट की चौड़ाई यानी कमर की चौड़ाई जिसे हम आधा करते हैं। हिप लंबाई, चौकों की लंबाई जिसे हम आधा नहीं करते। हिप चौड़ाई, चौकों की चौड़ाई जिसे हम आधा करते हैं। दामन आखिरी का जिसे चौड़ाई कहते हैं उसे भी हम आधा कर देते हैं। यानी कि आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है, लंबाई को आधा नहीं करते, चौड़ाई को आधा करते हैं। तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये दे रही हूँ कि आप लोग पहले दिन अगर ये देख रहे हैं तो ये याद कर लीजिए। ये याद करने से आप लोगों को आसानी हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को देखिए, यहाँ समझने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। ये है लंबाई जिसे हम आधा नहीं करते, यहाँ से यहाँ तक। फिर सेकेंड है शोल्डर, थर्ड है बगल, फोर्थ है चेस्ट, फिफ्थ है कमर की लंबाई, फिर सिक्स्थ है कमर की चौड़ाई, सेवन्थ है हिप लंबाई, एट्थ है हिप चौड़ाई, आखिरी में दामन। इस लाइन से याद करने से आप लोगों को डायग्राम बनाने में इजी होगा।